नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित भट्ट। किसी भी देश की तरक्की में राजनीति और युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। माना यह जाता है कि हर सियासी पार्टी के पीछे उसकी युवा ताकत होती है, लेकिन अब युवाओं का इन पॉलिटिकल पार्टियों से मोहभंग होता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि युवा राजनीतिक दलों से दूर होते जा रहे हैं? आज मुद्दा में इसी से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि बंसल जी और युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बालेंदु शेखावत जी। इन मेहमानों के साथ हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव भी हमारे साथ हैं। तो प्रताप जी, पॉलिटिकल पार्टियों से युवा दूर क्यों हो रहा है? ये तो हमारे साथ दोनों ही युवा नेतृत्व तो यहाँ बैठा हुआ है, इनसे पूछेंगे। उसके पहले मुझे अमित लगता है कि हमें उस बात पर विचार कर लेना चाहिए जो कि हमारे सामने क्या है, युवाओं की स्थिति उसको तो लेकर। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि युवा किस तरह दलों से दूर हो रहे हैं। भारत के राजनीतिक दलों का तिलिस्म टूट रहा है। देश की बढ़ती जवानी के साथ ही राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और भाजपा को वृद्धा अवस्था आ गई है। इन दोनों राजनीतिक दलों में बुढ़ापे की सारी कमजोरियां नजर आने लगी हैं। ये पार्टियां भी बुजुर्गों की तरह अपनी कमजोरी दूर करने के लिए कड़वी दवा लेने को तैयार नहीं है। दोनों ही दल निराश नेतृत्व और ऊर्जावान युवाओं के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहे। वे युवा ही इन दलों में आगे बढ़ने का मार्ग खोज पाए हैं, जो समय से पहले ही बुजुर्ग की राह अपना चुके हैं। बंद दरवाजों और चापलूसी से परेशान इन दलों के युवा कार्यकर्ता ठिकाना ढूंढने लगे हैं। उन्हें तलाश है ऐसे दल की जो उनकी ऊर्जा का उपयोग कर सके। देश के युवा कार्यकर्ताओं ने तब अपनी ताकत दिखा दी थी जब उन्हें अन्ना हजारे जैसा 75 साल का युवा नेतृत्व मिला। अन्ना के आंदोलन में दलीय निष्ठा को अंगूठा दिखाकर दोनों ही दलों से जुड़े युवाओं ने ज्वार ला दिया था। भारत में दुनिया की आधी से ज्यादा युवा आबादी बसती है, लेकिन सियासी गलियारों में इन युवाओं को राह आसान नहीं लगती। रिश्तेदारों की भीड़ में भी चाटुकारिता या सिफारिशों के दम पर कुछ लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी विकल्प की ओर सोचने लगे हैं। हालांकि सक्रियता के साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर एक लो दिखाई थी। अपनी टीम में भी उन्होंने इसे लागू करने की सिफारिश की, लेकिन परंपरागत राजनीति में वो भी उलझ गए और तिलिस्म टूट गया। युवा कार्ड की बात तो जरूर राजनीति में की जाती है, लेकिन इस पर अमल कम ही होता दिखाई पड़ता है। ऐसे में युवा को 42 साल के राहुल गांधी से लेकर 55 साल के नितिन गडकरी में भी बुजुर्ग राजनेता की छवि नजर आती है। वो परिवर्तन से हिचकिचाते हैं, कुर्सी परस्त लोगों की गिरोहबंदी के बाहर नहीं सोच पाते। 21 के दशक की शुरुआत में बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित मणि रत्नम की फिल्म युवा आज के हालात पर प्रासंगिक नजर आती है, जहां एक शख्स सालों से काबिज पार्टी को चुनौती देकर अपना दल तैयार करता है, जिसका मकसद परिवर्तन होता है। आज देश में दलीय स्थिति के बीच युवा की वही सोच कहीं ना कहीं नजर आती है, चाहे बात देश के तमाम बड़े नेता की हो या फिर कांग्रेस भाजपा की। बुजुर्ग नेता सालों से कुर्सियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पुराने विचारों के साथ ही सालों से चली आ रही नीतियों के बीच युवा बदलाव को लेकर सोचने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज, जयपुर। तो पॉलिटिकल पार्टियों से आज का युवा दूर होता जा रहा है, आइए जानते हैं हमारे मेहमानों का इस बारे में क्या कहना है। ऋषि जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, और निश्चित तौर पे हमने देखा है कि किस तरह से जो पार्टियों की जो गिरोहबंदी हो गई है और एक युवा नेता को आगे आने में किस तरह से परेशानी आती है, वो तो सब आप लोग भुगत ही रहे होंगे। क्या परेशानी आती है, क्यों युवा जो है सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ पाता? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मैंने अपना प्रारंभिक जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और संघर्ष करता करता आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और भाजपा के अंदर जितने भी आज युवा हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र के अंदर संघर्ष करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और एक तरह से हम कहें तो राजनीतिक दलों के अंदर भाजपा ही ऐसा एक दल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युवाओं की एंट्री है, अदरवाइज। वास्तव में देखा जाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, युवाओं की बात उठाने के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो युवा एक झटके के साथ केजरीवाल और अन्ना की आवाज पे उठ खड़ा हुआ, आपकी आवाजों के बावजूद अभी अभी आपने जो धरने प्रदर्शन दिए, वहां केवल उन बुजुर्ग लोगों की फौज और
थोड़े बहुत दिखाई दिए, यू आर हर जगह से नजर आ रहे थे। आज बालिंद जी हमारे साथ है। बालिंद जी, आप तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर कांग्रेस के महासचिव हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों क्यों कसमसाता है युवा पॉलिटिकल पार्टी में जाकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम युवा किसे कहते हैं जी। युवा खाली उम्र का दायरा है या युवा वो है जो युवा सोच रखता है? आज हम अन्ना हजारे की बात करें या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या युवाओं का राजनीति में आगे क्या भविष्य है, इससे महत्वपूर्ण यह विषय है कि कौन युवा ऐसा है जो राजनीति में सक्रिय होना चाहता है। खाली वो उम्र से युवा और राजनीति में अपनी भागीदारी देना चाहता है तो यह कोई बहुत उचित कदम नहीं होगा। हाँ, युवा है, उसके पास एक सोच है, एक दिशा है, और वो अगर राजनीति, आपका कहना है कि जो राजनीति में सक्रिय नहीं है उनके पास कोई सोच नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अन्ना हजारे की आपने बात करी कि अन्ना हजारे के साथ युवा खड़ा हो गया। देखिए, अन्ना, यानी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग नहीं सहमत हैं या नहीं जुड़ते हैं उन, वो युवा देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचते? आपका प्रश्न यह था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो युवा चाहते हैं। मैं जैसे आपको आंकड़ा दूं, आज तकरीबन 79 एमपी लोकसभा में ऐसे हैं जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। बालिंदु जी, ये आप बिल्कुल जानते हैं कि आज थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इक्वेशन बनते हैं उसके ऊपर उठ के सोचिए कि आखिर में ये 79 निश्चित तौर पे, जैसे आपने बताया कि उम्र के तौर पे ये युवा हैं, क्या विचारों के तौर पे भी ये युवा हैं? जैसा आपने प्रश्न उठाया, क्या उन्हें वही चापलूसी करके उसी तरीके नहीं अपनाने पड़ते जो कि उनके बुजुर्ग नेता बताते हैं? क्या कोई ऐसे युवा जिस तरह से अपनी बात को लेकर, अपने इच्छाओं को लेकर, बदलाव को लेकर या व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो युवा आता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी में उन्हें एडजस्ट कर लिया जाता है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आज के परिपेक्ष में राजनीति में बहुत से युवा राजनेता ऐसे हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, वो एक विजन लेके आते हैं। आज हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बहुत युवा सांसद भी हैं और केंद्र मंत्री भी हैं। सचिन पायलट राजस्थान से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से हैं, मिलन देवड़ा महाराष्ट्र से हैं, ये तमाम लोग, जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो युवा हैं, सांसद हैं, केंद्र मंत्री हैं। इनके पास एक विजन है देश को आगे ले जाने का। आज के 20 साल पुरानी हम बात करें, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश को उन्होंने बालिंदु जी, जो आपने सारे नाम गिनाए, आप जानते हैं उन सब के पीछे राजनीति में आगे बढ़ने का क्या कारण है? आप भी सहमत होंगे ऋषि जी कि किस तरह से ये जो सारे नाम जो आए उनके पीछे उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना मजबूत था, इस कारण वो आगे आ पाए? क्या कोई युवा कोई विचार को लेकर, कोई परिवर्तन की बात को लेकर, व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर आता है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी उसे एडजस्ट कर पाती है? देखिए, आज युवाओं के सामने आदर्श क्या है? एक नाम हुआ करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नारा दिया तो लाखों युवक उनके सेना में भर्ती हुए, लेकिन आज राजनीति के अंदर कोई भी आदर्श नहीं है। अब आश्चर्य करेंगे, अभी 1962 के युद्ध को 50 साल पूरे हुए, जब पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई, एफडीआई मुद्दे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुवाहाटी से लेकर के बुमला बॉर्डर, चीन के बॉर्डर तक, जहां पर 21 अक्टूबर के दिन जहां चीन ने अटैक किया, वहां तक यात्रा निकाली हमने। लोग कह रहे थे कि राजनीति के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता तो युवा आता है। ये बड़ी बात उठाइए कि युवाओं का जो एक प्रकार से विश्वास जो राजनीति पे, राजनीतिक दलों पे हो रहा है, उसका पीछे बड़ा कारण है ये, जैसे कह रहे हैं कि आदर्श नहीं रहे हैं, और आदर्शों के अभाव में युवा जो एक ऊर्जा होती है, जिसमें ज्वाला होती है, जो आदर्श को देख के आगे बढ़ता है, क्या राजनीति में एक बहुत खुली सोच में हम के लिए हम यहां बैठे हैं, क्या ऐसे आदर्श का नहीं होना राजनीति में युवाओं के नहीं आने का एक बड़ा कारण है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। राजनीति में युवा आदर्श आज मौजूद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम हमारी पार्टी की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, तो राहुल गांधी के आह्वान पर हमारी यूथ कांग्रेस में सदस्यता का एक अभियान चालू हुआ। 2 साल पहले जब सदस्यता हुई, 6.5 लाख नए युवा राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदस्य बने। उसके बाद अब दोबारा भी 6 नवंबर गई है, उसको सदस्यता का आखिरी दिन था, उस दिन 4.5 लाख नए सदस्य युवा हमने राजस्थान में यूथ कांग्रेस से जोड़े हैं, और जो पुराने सदस्य थे वो ऑनलाइन जाकर के अपना रिन्यूअल कर सकते हैं। तो जब 4.5 लाख नए सदस्य कांग्रेस की विचारधारा को राहुल गांधी के आह्वान के पे जब जुड़ते हैं, तो मैं इस बात से कोई राजनीतिक पार्टी युवाओं को आपकी बात, और मैं भाजपा के लिए भी कहूंगा, निश्चित तौर पर जब कोई सामान्य धार्मिक समारोह होता है तो बिना किसी आवाज के लाखों लोग पहुंच जाते हैं। खाटू श्याम जी की यात्रा में कोई कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, लेकिन ढोके ले जाया जाता है तब भी इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती। क्या कारण है, क्यों नहीं आते लोग, क्यों नहीं उसमें युवाओं की भीड़ होती, क्यों उसमें भर दिया जाता है, लोगों को लोभ दे के ले जाया जाता है? क्या कारण है ऋषि जी कि क्यों नहीं जुड़ना चाहते पॉलिटिकल विचारधारा से? जुड़ना चाहते हैं,
जब राष्ट्रीय मुद्दा होता है, भारतीय युवा मोर्चा ने कहा कि चलो कश्मीर तिरंगा फहराएंगे, यानी कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के पास सिर्फ परिवारवाद है और परिवार की राजनीति करता है। और इसलिए उन्होंने कहा ना कि हमें 6.5 लाख सदस्य बनाए, कौन से बनाए, क्या होगा, कौन आगे जाएगा। आप परिवारवाद के आधार पर चल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है कि परिवारवाद के आधार पर आप युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। किसी के पास है तो अध्यक्ष बनेगा। अगर मैं एक बहुत छोटा सा सवाल करता हूँ, 4.5 पुत्र है तो नेता बनेगा, 4.5 लाख सदस्य अगर यूथ कांग्रेस के बनते हैं तो क्या मैं बंसल साहब से बार बार यही पूछूंगा, क्या वो 4.5 लाख लोग राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, एक चीज। दूसरी, अगर किसी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें युवा राजनीति में लेकर के, युवा सक्रियता में लेकर के, तो मैं आरोप लगाता हूं आपकी पार्टी पर। आज आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा जी, उनके पुत्र दुष्यंत जी जब सांसद बने, वो परिवारवाद की देन नहीं है क्या? उनका क्या बैकग्राउंड था भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक? दुष्यंत सिंह का नाम लिया, 4.5 लाख हमने सदस्य बनाए नहीं, लेकिन उनमें से प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, महासचिव कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इसका चुनाव कौन बनेगा, इसका हमारे चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया, हमको आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हुई, 6.5 लाख सदस्य बने, सबने अपना मतदान दिया, जिसके सर्वाधिक मत आए वो प्रदेश अध्यक्ष बना। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पवन गोदारा है, उनको सर्वाधिक मत मिले, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। आपका कहना है कि आपके यहाँ युवाओं को पूरी तरह से अपना नेतृत्व चुनने की छूट है, लेकिन ऐसा युवा मोर्चा में नहीं है। देखिए, छूट नहीं है, आप समझिए इस चीज को। यदि वहाँ पर 1 करोड़ रुपया खर्च करने की क्षमता है और किसी बड़े नेता का आशीर्वाद है तो वो अध्यक्ष बन सकता है। यानी कि आपके यहाँ पैसा खर्च करके और नेता पुत्र होना बड़ा जरूरी है? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। और युवा मोर्चा के अंदर रणनीति में देखें, सीधा सीधा एग्जांपल, प्रदेश अध्यक्ष जितने भी अध्यक्ष रहे आज तक में, अमित, बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पे क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के युवा इकाइयों के नेता है, पदाधिकारी है, तो इसलिए ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आम युवा इनसे पीछा हटता जा रहा है। लेकिन मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये अपने आंकड़े बता रहे हैं, हमने 1.5 लाख सदस्य बनाए, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई परिवारवाद वाली चीज नहीं है। इन दोनों के दावे हैं कि ये इन युवा जो है वो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा कोई मुद्दा हो या चाहे अन्ना का इवेंट हो, उसमें वहां पर युवा बिना किसी आह्वान के इकट्ठा होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इनकी जो आंदोलन होते हैं उसमें युवा क्यों इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि आज का युवा पॉलिटिकल पार्टी सियासी दलों से दूर क्यों होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं क्या है जनता की राय। राजनीति के अंदर इतने सांसद इतने सालों से जो टिके हुए हैं, जो 5-5, 40-50, 60-60 साल के हो गए हैं, वो अभी तक कुर्सी के ऊपर टिके हुए हैं, वो कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं तो वो अपने जो नीचे उनके वंश के लोग हैं उन्हें ही आगे बढ़ा रहे हैं, किसी नए चेहरे को नहीं आगे आने दे रहे हैं। राजनीति है वो इतनी गंदी हो गई है कि युवा जो युवा पीढ़ी है आज की, वो उससे दूर ही रह करके काम करना चाहती है। पॉलिटिक्स युवा करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो उन युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन सबको आजकल सिर्फ बड़े जितने भी बड़े नेता हैं जो किसी भी दल के भी हों, वो सब दल के नेता जो भी स्टूडेंट्स आते हैं युवाओं को यूज कर रहे हैं बिल्कुल की भी अपने काम के लिए। अगर वो आगे ही बढ़ना चाह रहे थे उनको किस ना किस तरीके से बिठाया जा जाता है। युवाओं को लगता है कि यदि राजनीति में जाएंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे, और पूरा भ्रष्टता से भर रखा है राजनीति, करियर भी पूरा भ्रष्ट हो चुका है इसमें। अब युवा नहीं चाहते कि वो यही चाहते हैं या तो सरकारी नौकरी करें या कंपटीशन दें या अपना कोई जॉब करें, राजनीति से उन्हें एलर्जी हो चुकी है। राजनीति के अंदर ये आज युवा जो चीज़ देख रहे हैं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। एक नॉर्मल पार्षद से आप स्टार्ट हुई और बड़े हाई स्तर को नेता को लीजिए, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजनीति युवा देश का भविष्य, युवा देश का भविष्य नहीं, युवा देश का वर्तमान है, इसलिए युवाओं को वर्तमान में राजनीति में आना होगा और इन नेताओं को उखाड़ फेंकना होगा जो भ्रष्टाचार काले धन के मामले हैं, जिसमें जितने करप्शन चल रहा है उन लोगों की बात करते हैं और गोलमाल करके अपनी रोटियां सेकते हैं। आजकल जो राजनेता हैं बड़े बड़े,